हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? फाइव फेमस इंडियन मुस्लिम हू लेफ्ट इस्लाम एंड अडॉप्टेड हिंदुइज्म। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, कौन से ऐसे इंडियन मुस्लिम है जो इस्लाम को छोड़ के उन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया। देखते हैं, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मैं भी कर दो। लेट्स सी, देखते हैं, हियर वी गो। दोस्तों, क्या आपको भारत के 5 प्रसिद्ध मुस्लिम लोगों के बारे में पता है जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू यानी सनातन धर्म को अपना लिया है? दोस्तों, ये भारत के काफी ज्यादा पॉपुलर मुस्लिम थे, पर सनातन धर्म की पवित्रता, आध्यात्मिकता और मानव कल्याण के ज्ञान से प्रभावित होकर इन्होंने सनातन को अपने दिल से अपना लिया है। इनका कहना है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे महान धर्म है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसमें भगवानों के रूप में प्रकृति के हर एक रूप को पूजा गया है। सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके शास्त्रों का ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस के बिल्कुल समान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब मुस्लिम लोगों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए देखते हैं। नंबर 5, अली अकबर। दोस्तों, मलयालम सिनेमा के सबसे पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और एक फेमस लिरिसिस्ट अली अकबर का असली नाम राम सिंह है। दोस्तों, ये अभी तक 20 से ज्यादा मलयालम सिनेमा की फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इनका जन्म साल 1963 में केरल की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। अब इनकी उम्र 58 साल है। पर दोस्तों, अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में ही इन्होंने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। दोस्तों, इनके विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार इन्होंने साल 2015 में बताया कि जब अली अकबर 8 साल के थे तब एक मदरसे के टीचर ने उनका यौन शोषण किया था। तब उस टीचर ने उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था। दोस्तों, अब इन्होंने अपना हिंदू नाम राम सिंह रखा है, जिसको तमिल में राम सिम्हन भी बोला जाता है, जो केरल की संस्कृति का पालन करते हुए मारे गए एक आदमी का नाम है, जिसकी पत्नी की हत्या साल 1947 में केवल इसीलिए कर दी गई क्योंकि वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन गई थी, इसलिए दोस्तों उन्होंने ये नाम रखा है। दोस्तों, राम सिंह ने एक फेसबुक वीडियो पोस्ट करके इस्लाम को छोड़ने का कारण भी बताया था। इस वीडियो में इन्होंने उन मुस्लिम लोगों की बहुत ही ज्यादा आलोचना की थी जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ डिफेंस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की दुखद मौत पर खुशी मना रहे थे या फिर हंस रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम भारत के वीर शहीदों की दुखद मौत पर हंस रहे हैं, अब मैं उन राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, और यहाँ अब मैं एक मुस्लिम नहीं हूँ, अब मैं एक भारतीय हूँ। और इस बात से निराश होकर इन्होंने हिंदू धर्म यानी सनातन को अपने दिल से अपना लिया है। नंबर 4, मान्यता दत्त। दोस्तों, मान्यता दत्त संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। संजय दत्त के साथ इनकी शादी साल 2008 में हुई थी। अब ये सीईओ है संजय दत्त प्रोडक्शन की। दोस्तों, मान्यता दत्त का जन्म 22 जुलाई 1978 में मुंबई की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। तब इनका मुस्लिम नाम सारा खान था। दोस्तों, वैसे तो मान्यता दत्त के बारे में ऐसी कोई भी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि इन्होंने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। पर साल 2008 में गोवा में संजय दत्त के साथ इनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ की गई थी, और ये अपने पति संजय दत्त के साथ सभी हिंदू त्योहारों को मनाती है। इनको साड़ी पहनना और भगवान गणेश की पूजा करना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि दोस्तों ये सनातन धर्म में मौजूद पवित्र शक्तियों पर पूरा विश्वास करती है। इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि इन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। नंबर 3, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। दोस्तों, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को पहले वसीम रिजवी के नाम से भी जाना जाता था। ये एक फॉर्मर मेंबर एंड चेयरमैन थे उत्तर प्रदेश के सिया सेंट्रल बोर्ड के। दोस्तों, इनका जन्म भी लखनऊ की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, पर 6 दिसंबर 2021 को इन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू यानी सनातन धर्म को दिल से अपना लिया है। दोस्तों, विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी के अनुसार जनवरी 2018 में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने यूपी के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदरसों को बंद करने की मांग की थी और कहा कि मदरसों में मुस्लिम बच्चों को कट्टर और आतंकवादी बनाया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद बरेली में स्थित एक मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया फैजान ए मदीना काउंसिल ने वसीम रिजवी का सिर काटने वाले को मुफ्त हज यात्रा और 10 लाख रुपए का इनाम रखा। और दोस्तों, सितंबर 2018 में वसीम रिजवी ने कहा था कि भारत के ज्यादातर मदरसों में आज भी होमोसेक्सुअलिटी प्रचलित है। इसके अलावा 12 मार्च 2021 को त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जहां उन्होंने कुरान से 26 आयतों को हटाने की अपील की। उन्होंने ये दावा किया कि कुरान की इन 26 आयतों में साफ साफ वो बातें लिखी हुई हैं जिनको पढ़कर मुसलमान आतंकवादी बनते हैं, क्योंकि इन आयतों को कुरान में बाद में लिखा गया था। इन आयतों में गैर मुस्लिमों के प्रति विरोध में बातें लिखी हुई हैं। और इसके बाद
यूपी के एक मुस्लिम संगठन सियाने हैदर एक करार वेलफेयर एसोसिएशन ने त्यागी का सिर काटने के लिए 20 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। पर दोस्तों अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी सनातन में आकर काफी ज्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म दुनिया का एक ऐसा मात्र धर्म है जिसमें मानव कल्याण की बातें मिलती हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा शांति देती है। नंबर दो, नरगिस दत्त। दोस्तों फेमस बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की माँ नरगिस दत्त एक फेमस इंडियन एक्ट्रेस और एक पॉलिटिशियन थी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम फैमिली में साल 1929 में हुआ था। दोस्तों नरगिस दत्त ने साल 11 मार्च 1958 को बॉलीवुड के फेमस एक्टर सुनील दत्त के साथ शादी कर ली थी, जिसके बाद इन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। इसके बाद इन्होंने अपना नाम नरगिस दत्त से निर्मला दत्त कर लिया था। नंबर एक, सरा अली खान। दोस्तों सरा अली खान एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस और फेमस बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बेटी है। ये भगवान गणेश और भगवान शिव पर पूरा विश्वास करती है। इनके वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पर 38 मिलियन फॉलोवर्स हैं। दोस्तों अक्सर यहाँ सरा हिंदू भगवानों की फोटो अपलोड करती रहती है और ये सब बातें सरा अली खान की हिंदू भगवानों के प्रति अपनी आस्था को दर्शाती है। पर दोस्तों ऐसा करना यानी कि हर बार हिंदू भगवानों की फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करना सरा के लिए हमेशा से एक कंट्रोवर्सी का विषय रहा है। साल 2019 में सरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करते हुए अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड की। पर दोस्तों सरा को हिंदू भगवानों की पूजा करते हुए देखना कुछ मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं आया और सरा को अपने नाम से अली खान रिमूव करने को कहा और कहा कि एक मुस्लिम होकर हिंदू भगवानों को प्रमोट मत करो, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा ही बहुत सारी बातें लिखी। ऐसे ही दोस्तों नवंबर 2021 में जब सरा ने केदारनाथ मंदिर के साथ अपनी फोटो पोस्ट की, तब भी कुछ मुस्लिम लोगों ने सरा का विरोध किया। पर सरा को हिंदू भगवानों की पूजा करना और हिंदू धर्म की संस्कृति काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए इन्होंने सनातन को दिल से अपनाया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर जी और इनको सब्सक्राइब लाजमी कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और सारा अली खान का भी अब बताया, लेकिन उन्होंने नाम चेंज नहीं किया और बताया नहीं है, लेकिन वो मतलब कि रिस्पेक्ट करती हैं। और यार हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब अपनी जगह बहुत ही मतलब कि दिल के करीब होते हैं। और दिल की यार ये सही मैं बताऊँ, ये दिल की वो चॉइस होती है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, किस में सुकून मिल रहा है, किस में नहीं। और अपनी कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और जो मतलब कि ये जो करते हैं ना, गला काट देंगे यार, नहीं आप उनकी मर्जी है भाई, वो अपना वो इंसान है, वो छोड़ दो उनका। और ऊपर वाले का जो भी है लेना देना है वो उस पे छोड़ दो, क्या गला काट दो 20 लाख। मतलब मैंने कहा यार हाँ, आप अपना अपना देखो, अपना जो करना है करो, उनको छोड़ो। और वो उनका दिल है, उनका मतलब कि उनका ऊपर देखना है, जो होगा देखा जाएगा, आप लोग बीच में ना हो। और मजा आ गया इस वीडियो का, काफी कुछ जानने को मिला। और बहुत वो सारा अली खान का बस नहीं पता, बस शौक हुआ, शौक कह सकते हैं, बाकी सबका बाकी किसी को जानता नहीं था। चेंज किया है, आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और वो जो आतंकवादी का था, वो क्या कहते हैं मदरसे में, यार कुछ कुछ जगहों पर ना मैं बताता हूँ, मौलवी मतलब कि वो जो मुल्ला होते हैं ना, जो कुरान सिखा रहे होते हैं, वही खराब होते हैं वो, मतलब कि बच्चों को खराब उसको खराब कह सकते हो आप लोग, इस्लाम को बिल्कुल भी नहीं कह सकते, वो खराब करते हैं। क्योंकि हमने भी मदरसा पढ़ा, हमारे साथ तो हम तो आतंकवादी नहीं बन गए, हम नहीं बने यार। मतलब कि सही नॉलेज लो, सही से पढ़ो, सही से लो, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मतलब के पुराने ख्याल या फिर ऐसे है ना, वो जहाद को कुछ और ही समझ लेते हैं। और प्यार बांटना भी जहाद होता है, ये इन लोगों ने को नहीं पता, ये समझते गला काटना जहाद होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।